फ्रेंड अभी निकले हैं एक छोटे से सफ़र पे। हम लोग का बेगूसराय थोड़ा सा छोड़ चुके हैं और हम अपने दोस्त लोग को भी विदा कर चुके हैं। तो खैर अब हम निकले बेगूसराय से एक छोटे से सफ़र के लिए, क्योंकि था एग्ज़ाम, बीटेक वाला हो गया ख़त्म या एग्ज़ाम वाला हो गया ख़त्म, तो चले थे ऐसे घूम लेते हैं और फिर इसी मौज मस्ती करेंगे, फिर से लेंगे पढ़ाई लिखाई में पढ़ने लगा रहेगा। खैर तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। हम लोग अभी हफ्ते पहुँच चुके हैं और जाने वाले हैं शायद कलकत्ता निकलेंगे यहाँ से। और ये हमारे हमारे ऑटो वाले भैया हैं और हमको ज़्यादा लगता था 1 घंटा लगे, लेकिन आधे घंटे में पहुँचा दी। और ड्राइविंग किए हैं, थैंक यू। और बहुत नेक दिल इंसान है, सफर में तो बात नहीं हुई इनसे, लेकिन अभी अभी बात बात तो हंसते हुए बात हुई। खैर मिलेंगे फिर अगले सफर में से। तो जब तक के लिए थैंक यू भैया, कुछ बोल दीजिए आप। क्या बोले, हम तो अभी 25-20 किलोमीटर आए हैं, अभी 25 मिनट में आए हैं। बहुत जल्दी पहुँचा है, ये तो बात है। जल्दी है। मिलते हैं फिर भैया से कभी अगले सफर में। स्पीड गाड़ी है तो स्पीड में मत चलाएगा। ये भी हो सकता है भैया, बहुत जल्दी पहुँचा दिया हम लोग का ट्रेन, छूटते बस रह गया है, चलते हैं फिर ट्रेन छूट भी जाएगा भाई। नहीं छूटेगा, ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू भैया। आगे हथीदा यहीं से हम लोग का ट्रेन है कोलकाता के लिए, यानी कि हावड़ा के लिए। वहाँ से फिर वहाँ घूमना है, फिर उसके बाद फिर और कहीं भी वहाँ से जाना है घूमने। तो कहाँ चलेंगे हम दिखाएंगे फिर आपको। फ्रेंड अभी शाम के 6-7 बजे है और नींद हमको इतना आ रहा है कि मथवा पटक रहा है। जा रहे थे वीडियो एडिटिंग करने, खूब नींद आ रहा था। अब यहाँ पर मनीष है, देखिए यहाँ बोले भाई ऊपर कर दो, तो बता कि वैसे ही बेचारा वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहा है आराम से, फोटो वगैरह का वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहा है। तो अभी हम लोग सोने का मूड था, नीचे कीने का सीट है तो सोए हुए हैं, तो सोने का मूड था। तब सत्या यहाँ से सत्या के बगल में आकर सुतल है, सब सही है। चेहरा तो बकर लग ही ना होगा, क्या कि भाई सुबह से एकदम गर्मी में पड़े हुए हैं, चेहरा पर आपको ध्यान नहीं दे, फेस वगैरह कुछ नहीं, बस ऐसे ही पड़े हुए हैं। खैर सब चेहरा सब साफ है ना, वो खैर मरीज में लगे हुए हैं, सब एडिटिंग कर रहा है। हम भी एडिटिंग कर रहे थे, बट नींद इतना आ रहा है कि क्या बताएं यार। खैर तो बात करते हैं आपको, फिर और भी बताते हैं बीच बीच में, थोड़ा सो लेते हैं, या फिर मन करेगा तो कुछ एडिटिंग में भी कर लेंगे। उठो बतिया लो तुम्हें। हाय गाइस, कैसे हो, ठीक हो? लाइक चैनल सब्सक्राइब में ट्रेन का बोल रहे हैं। तो दोस्त फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कोलकाता, नहीं हावड़ा, हावड़ा और इस पुल को पार करेंगे जो हावड़ा ब्रिज है उससे पार करेंगे, तो पहुँचेंगे हम लोग कोलकाता। तो फिलहाल देख लेते हैं हम लोग कोलकाता, फिलहाल देख सकते हैं हम लोग हावड़ा स्टेशन पे ऐसे लगा। तो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं हावड़ा स्टेशन और यहाँ से हम लोग निकलना है कोलकाता के लिए। तो अभी तो रात का 2 बज रहा है, 1-2 घंटा यहीं पर कहीं ठहरते हैं, उसके बाद फिर क्योंकि कोई बस वगैरह भी उसमें चल नहीं जाएगी, इसलिए अभी 1-2 घंटा कहीं पर आराम करते हैं और देखते हैं अगल बगल ही, उसके बाद फिर बाकी की बात आपसे भी करते हैं। आप पहला पड़ाव है अपड़ा और पहली चाय, और सुबह की चाय को करवाया है क्या बात है, और साथ ही हम बिहारियों के लिए तो अभी चाय पीने हैं। और जहाँ तक पीने हैं वो भी भाई भैया जी बिहार से ही हैं, ठीक है, और ये भी जो भी है बिहार से ही हैं। तो बिहारियों के यहाँ चाय पीना यार, और भी मिट्टी के बर्तन में मज़ा ही कुछ अलग है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको लस्सी बोल सकते हैं, हाफ लस्सी लस्सी बोल सकते हैं, क्योंकि उस क्रीम में नहीं सिर्फ दही है और तो ये हाफ लस्सी है जो कि दोस्तों अभी हम लोग अभी क्योंकि 4 बजे है और सुबह का समय है, चलिए 4 बजे हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में आराम से, थोड़ी देर ठहर जाते हैं, कुछ बैठ जाते हैं और सुबह चलेंगे जहाँ भी जाना है। तो अभी मामा के जाना है, वहाँ पर फिर थोड़ी
जाना है। क्या हो रहा है भाई? भाई चश्मा पहन लिया है, बताओ अभी धूप पतला भी नहीं है। खैर लेकिन अच्छा लगता है, लेकिन प्रोफेशनल लगता है इसलिए पहन लेते हैं कि वीडियो वगैरह बन रहा है। चश्मा से अच्छा है, सुंदर लग रहा, अच्छे लग रहे। हम क्या बोले, सही है सब। हाँ सब अच्छा है, सब अच्छा है, मेरा भी सब अच्छा है। अब देखिए कल क्या होता है, कल नहीं मतलब आज ही समझिए सवेरा हो गया, क्योंकि टहलने से पहले थोड़ा आराम कर लेते ताकि दिन भर अपना टहलने अभी सवेरे इसे कहाँ टहल पाए। दसवीं भी है बहुत सारा, गाइस देखिए हमको भुलवा के लेके आया है और मतलब बीमार पैर तका दिया, मेरा पैर दर्द कर रहा है, समझे नहीं आ रहा कुछ क्या कर रहे हैं। नींद अब आ रहा है तो हम सोएंगे बाहर। अरे भाई हम भी तो सोए, बात तुम सभी सोया, कल हम भी मात्र एक घंटा का लाभ। आप तो ट्रेन में तीन घंटा का एक पीरियड मारे जबरदस्त, लेकिन फिर लग रहा है ट्रेन में शायद एक से दो घंटा सोए होंगे, उतना ध्यान नहीं है। एक दो घंटा सोए आप, हम आधा आधा घंटा, एक से दो घंटा सोए होंगे हार्डली, और एक घंटा एक उसे एक दिन पहले, यानी कि पिछले रात भी जगह हुए हैं और इस रात इस रात जगह हुए हैं। खैर दोस्तों यहाँ गैंग माल हो चुका है एकदम सामने से, इधर से एकदम अपने अपने गैंग लेके खड़ा है यहाँ पे, एक और इधर शायद और कोई खड़ा है इधर पता नहीं, लेकिन इनके साथ भोग रहा है अभी एकदम बेचारे, सब एक साथ बेचारे की तो धमकी दे रहे हैं। अब माँ शांत हुआ, शांत हुआ, शांत हुआ। फाइनली हम लोग जा रहे हैं मामा जी यहाँ और वहाँ पे सामान और निकले घूमने के लिए, कल कोलकाता कहीं कोलकाता बाद भी कहीं भी निकलना घूमना है, तो फिर दिखाते हैं आपको क्या कहाँ जाना कहाँ नहीं। और फिर हम देखिए हम हैं मनीष आगे बैठे हुए हैं, मनीष आगे बैठे हुए हैं, और हम और हमारे जो ड्राइवर साहब हैं चार वो भी बहुत ज़्यादा हिल गए, हम भी हम लोग मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि बेचारे खुलते बोलते आए हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा हिल गए। खैर देखते हैं जाते हैं, मनीष सर लोग बोल सकते हैं, तो फिलहाल चलते हैं रास्ते में क्या है, रास्ते में कुछ कुछ अच्छा सा दिखाऊँगा और फिर बाकी बातें रास्ते में होगी और घर पहुँच कर बात करता हूँ। चलिए ठीक, तो तकलीफ चुके हैं और अभी सो के आराम से दोपहर में उठे थे, और इसलिए कि ये ट्रेन का सफर में थोड़े से थक गए थे और तो अभी उठे हैं, और उठ के कहीं कहीं घूमना कहीं कहीं जाना है, तो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ ख़त्म, और बाकी दिखाते हैं आपको अगले ब्लॉग में, क्योंकि ज़्यादा हो जाए अगर लंबा हो जाएगा तब आपको भी शायद बोरिंग लगेगा, तो बोरिंग इस ब्लॉग को बोरिंग ना करते हुए ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो अगले बाय टाटा बाय।